संगीत अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सारे ग म प ध नी, ये शुद्ध स्वरों से, और इसे हम हायर नोट सा रे और ग वहाँ तक करेंगे, जिससे हमारे हाई नोट्स अच्छी तरह लगने लगेंगे। इसमें मैं हर सुर को चार बार बजा करके गाऊंगा, बाद के बचते सुर के साथ आपको वो सुर मैच करके कहना है। अब आप गाइए। 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 आप गाइए।
आप गाइए। ये तारा सप्तक का सा शुरू हुआ, जिसे हायर नोट कहते हैं। सा आप गाइए। सा आप गाइए। सा आप गाइए। ये तार सप्तक का रे बजा रहे हैं। रे आप गाइए। रे आप गाइए। रे आप गाइए। रे आप गाइए। गो आप गाइए। गो आप गाइए। आप गाइए। गो आप गाइए। इसमें ज़रूरी ये है कि ये बजती साउंड फ्रीक्वेंसी जो है, इससे आपकी आवाज़ मैच होनी चाहिए। ये सुर आपके पक्के होते हैं तो संगीत का अगला अभ्यास आप आसानी से कर सकोगे। अब जो हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, वो अब देखें कि ये सारे गमों पर कौन सी उंगलियां रखी गई हैं। उंगलियों के नंबर आपको मैं बता दूं। ये अंगूठा नंबर एक, ये इंडेक्स फिंगर नंबर दो, ये बीच की उंगली नंबर तीन, ये रिंग फिंगर नंबर चार, और ये छोटी उंगली नंबर पाँच। अब इसे हम लगातार गाएंगे, सारे गम पौध नि सा रे ग। अब आप देखिए उंगलियां कौन सी रखी गई है और इस तरह से आप बजा सकोगे। सारे और एक बार करते हैं। आप गाइए और बजाइए। अब जो हारमोनियम बजाना सीखते हैं, शायद आप ये भी सुनोगे कि हारमोनियम बजाते वक्त ये छोटी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। ये गलत बात है। भगवान ने आपको पांचवी उंगली दी है,
छोटी उंगली दी है उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जिनकी ये चौथी और पांचवी उंगली स्ट्रांग नहीं रहती वो इनका उपयोग नहीं करते हैं और वो कहते रहते हैं कि ये छोटी उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी चौथी और पांचवी उंगली भी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी जिसका आप बजाने में उपयोग कर सकोगे। इस अभ्यास को हम फिर एक बार करते हैं। गाइए और एक बार करेंगे, थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे। आप गाइए और एक बार करेंगे, रफ्तार और थोड़ी बढ़ाएंगे। आप गाइए जो हारमोनियम बाई हाथ से बजाते हैं वो उंगलियां कौन सी कैसी चलती है ये देख ले। दोस्तों यहाँ से आप संगीत अभ्यास की शुरुआत कीजिए, आपके ये शुद्ध स्वर अच्छी तरह निकलने लगे तो आपको संगीत का अगला अभ्यास करने में आसानी होगी। इस वीडियो में काली चार पट्टी से सारे गमों पर ध्वनिसा बताया गया है, ऐसे अलग अलग पट्टियों में सारे गमों होता है। हारमोनियम के हर सुर को साक कह सकते हैं, रे कह सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर अभी मैंने बजाया था सारे गम यहाँ से, सारे गम प ध नि सा, अभी मैं यहाँ से सारे गम बजाता हूँ, सारे गम प ध नि सा। देखिए मैंने पहले यहाँ से बजाया, अब यहाँ से मैंने सारे गम बजाया तो ये हो गया सा। अब फिर से मैं सा बदलता हूँ, इसको अब सा कहता हूँ, सा रे ग म प ध नि सा। तो जैसे जैसे सा बदल जाता है उंगलियों का क्रम भी बदलता है। रियाज करते रहिए, आपको बहुत कुछ संगीत के बारे में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।